सो प्रॉब्लम में बोल रखा है अपन को इस समेशन को कैलकुलेट करना है, जो कि 1 + √2 + 1/2 अप टू n + 1/n की पावर 1/n। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, k + 1/k की पावर 1/k है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, k + 1/k n × 1 × 1 × 1 अप टू, यहाँ पर ये k-1 टाइम्स लिया है, पावर 1/k है। यहाँ पर am > gm होगा, वो अप्लाई कर सकते हैं अपन। सो यहाँ पर वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि k+1/k डिफरेंट होगा 1 से, तो सिंपल अप्लाई कर सकता है कोई, k + 1/k + 1 + 1, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, k-1 टाइम्स। टोटल कितने नंबर है, k-1 तो ये नंबर है, एंड 1 ये नंबर, तो टोटल k नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा k+1/k, एंड ये पूरा 1 1 1 k-1 टाइम्स, तो ये समेशन k-1 ही हो जाएगा, एंड डिवाइड में k है। सो बेसिकली अगर देखें तो k+1 k² - k / k² है। सो बेसिकली ये 1 + 1/k² आ रहा है, इज इक्वल 1 + 1/k² यहाँ पर किससे ग्रेटर हो जाएगा, k+1/k की पावर 1/k से। सो बेसिकली यहाँ पर इस पूरे समेशन में अगर अपन अप्लाई कर दें, तो ये जो s है वो लेस देन हो जाएगा किससे, 1 प्लस, यहाँ पर इसकी जगह ये सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 1 + 1/2² हो जाएगा, यहाँ पे +1 + 1/3² हो जाएगा, अप टू 1 + 1/n² हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ये। और यहाँ पर ये इसको मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया n टाइम n, ये 1 1 1 n टाइम्स आया, तो ये तो n हो गया, +1/2² + 1/3² अप टू 1/n² और बेसिकली यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये जो चीज़ है किससे लेस होगी, यहाँ पर अगर 1/2² की जगह मैं यहाँ पर 1 / 1 × 2 कर दूँ, तो ऑब्वियसली ये इसके कंपैरिजन में बड़ा होगा, यहाँ पर 1 / 2 × 3 कर दूँ, वैसे ही यहाँ पर 1 / n × n-1 कर दूँ, तो ये ऑब्वियसली सही है यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 अप टू 1 / n − 1 - 1/n, इस तरीके से मैंने इसको लिखा। सो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये एंड ये टर्म बचेगी, तो यहाँ पर ये n + 1 एंड −1/n बचा, जो कि ऑब्वियसली n+1 से छोटा होगा। सो बस अपन को ये प्रूव करना था, यहाँ पर s < n+1 है। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।